हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डर्स लाइफ। 2020 की आखिरी गेम आज हम खेलने वाले हैं वॉन्डर्स लाइफ पे, एंड इट्स गोना बी सो मच फन, क्योंकि हम करने वाले एक बहुत ही नोबल डीड। क्या 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 क्या? और हम बचाने वाले जान आज कुछ फल सब्जियों की। हाँ गाइस, आज हम खोलने वाले एक फ्रूट क्लिनिक। कब से मुन्ना भाई MBBS देखने के बाद से मेरा मन था कि मैं अपना खुद का क्लिनिक भी खोलूं। एंट्री के एग्जाम में टॉप किया ला अपुन ने, क्लास की तरह। मतलब हाँ, टीचर बनना था, पर टीचर के बाद मुझे डॉक्टर भी बनना था। अरे किसी न किसी टाइम पे हर बच्चे का मन होता है कि टीचर या डॉक्टर बने, तो आज हम ये सपना भी पूरा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अपने क्लिनिक लेके चलती हूँ आपको। चलो फिर चलते हैं क्लिनिक में। ये देखो लेवल 1 में इतना क्यूट सा बेचारा सैड सा एप्पल है यहाँ पे। इसको देखो कितने सारे स्टिचेस लगे हुए हैं, अभी हमें इसे ट्रीट करना है। आनंद भाई, तुम एकदम 100% जिंदा है। मैंने इसको स्टिच कर दिया है, डॉक्टर का फर्ज है आखिर। देखो चलो, हमें ट्वीजर्स मिल गए, पर मैं ट्वीजर्स का करूंगी क्या? ये तो पार्लर में यूज होने चाहिए ना, सैलो में यूज होने चाहिए। चलो ले लेते हैं। ओह नो, मुझे एड देखनी पड़ेगी इसके लिए, या मैंने पैसे दिए हैं यार फिर भी एड दिखा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा, मुझे नई नई चीजें लगानी पड़ेंगी, तभी तो मेरा क्लिनिक स्टैंड आउट करेगा बाकी क्लिनिक से। अबे कितनी लंबी एड है, निकल। ओके, लेवल 2 में हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन कराने आया बनाना। खाएगा केला? ये बनाना के पेट के अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर अर्थ वर्म घुस गया है। यार मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान ये बनाना खाए, मतलब यहाँ से ऑपरेशन करा के जाएगा और उसके बाद किसी के पेट में चला जाएगा। आई एम सॉरी बनाना, ऑफेंड मत होना। चलो इसको ऑपरेशन करते हैं। ओके, ट्वीजर्स हमारे इस काम आएंगे। यो इट्स ग्रॉस, यो 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 वाइब्रेट कर रहा है ये। ये देखो ट्रे आ गई, कार्ड को हमने इस पे रखा। ये देखो कितना खुश हो गया बनाना। इट्स एक्चुअली वेरी ऑडली सैटिस्फाइंग टू बी ऑनेस्ट, मतलब वो वाइब्रेट कर रहा था उसके अंदर जो वर्म था। चलो हमें मिला है वैक्यूम, एंड ये स्ट्रॉबेरी आई है, और इसके पेट में कितनी वियर्ड चीजें चल रही हैं। आई हाय यक, स्ट्रॉबेरी कहां से आई हो के तुम? ये निकाल दिया हमने वैक्यूम से, वैक्यूम कर दिया उसका पेट एकदम क्लियर कर दिया। अब स्टिच कर देंगे इसको, एंड स्ट्रॉबेरी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। बाय द वे, स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स यार। किस किस को स्ट्रॉबेरी पसंद है, टेल मी द कमेंट्स। हमारा ये लेवल भी पार हो गया, ये लेना ही पड़ेगा हमें लैंसेट। बवाल चीज है वे। लेवल 4 में जुकीनी के पेट में वर्म आ गया, कितनी वियर्ड है इसकी वर्म देखना। यू 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 कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। ओह या, उसका फेस देखो, जो वर्म था उसकी आंखें थी, वो ऐसे लग रहा था जुकीनी का खुद का एक छोटा भाई हो। जुकीनी, ओ सॉरी सॉरी, मैं इसको थोड़ा दर्द कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है इसे दर्द करने में। डोंट वरी, मैं थोड़ा कम दर्द करूंगी, बट एक्चुअली मुझे जुकीनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा दर्द ज्यादा दे रही हूँ। और वाइब्रेट कितना कर रहा है। मैंने इसका पेट फाड़ दिया, अभी मुझे इसके अंदर से ये सारे निकालने हैं, एंड सारे वर्म्स हमने निकाल दिए। अयो यो 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 यो, उसकी हालत देखो, बेचारा आधा मर चुका है, कह रहा है प्लीज मुझे जीने दो, मुझे जीना है। एंड मैंने इसको स्टिच करके एक नई लाइफ दे दिया। गाइस एक बात बताऊं, पर सच में वो वैक्यूम से इसे निकालने में ना वर्म बड़ा मजा आता है। इसकी जगह अगर कोई और फ्रूट होता शायद मैं थोड़ा कम दर्द देती, मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। एनीवे, हमें मिली है बैंडेड, और बैंडेड हमें बहुत जरूरी है, हमारे हॉस्पिटल में बैंडेड होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, हमारे काफी सारे यहाँ पे चीजें भरती जा रही है, वॉन्डर्स लाइफ का क्लिनिक है ये, तो होगा भी बेस्ट। लेट्स सी इसको क्या चाहिए, कौन सी सब्जी है। ये नाशपति जैसी लग रही है, इसका पेट काटना है हमें पहले। थोड़ा धीरे धीरे काटते हैं। ओ शक्ल देखो, शक्ल, आई कैन सी आईज, इसके पेट में कुछ है। ओ शिट, मुझे इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे इसे पूरा काट देना चाहिए। काटो 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 काटो, उसकी बेचारे की हालत देखो, थोड़ा जल्दी काट देते। ओके ठीक है, मैंने जल्दी काट दिया है। अब इसको निकालना है हमें ट्वीजर से। ये देखो छोटा सा एवोकाडो आ गया, आई थिंक एवोकाडो था। ही इज वेरी हैप्पी, एक्चुअली शी इज वेरी हैप्पी, कह रही है मैंने एवोकाडो पैदा करा है। ये देखो लिटिल एवोकाडो कितना क्यूट लग रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे उछाले क्यों मार रही है। देखो उसकी आंखें देख, एक्सरे। ये फिर से टोमेटो आया है। यू टोमेटो, ये क्या हालत बना के आए हो तुम, मतलब तुम्हारे पेट के अंदर इतना बड़ा पिंपल हो गया। मुझे पिंपल बहुत ग्रोस लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको स्क्वीज करना है आई थिंक, हमें स्क्वीज करते हैं। कितना बड़ा यार, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे बहुत गंदा लगता है ऐसे पिंपल्स निकालना। हट यार, एकदम कुछ करके निकला। स्टिल इट्स वेरी ग्रोस। अभी हमें एक्सरे से वर्म्स दिख रहे हैं। ओके हमें वर्म्स दिख गए, हमने वर्म्स हटा दिए एक्सरे से, अब इसका पेट काटना पड़ेगा हमें। देखो हालत देखो, चीख कैसे रहा है। ये क्या, इसके पेट में एक और टोमेटो निकला, और साथ में वर्म्स भी। छोटे टोमेटो को
वर्म्स के अंदर से हमें बचाना पड़ेगा गाइस। चलो इसके वर्म्स हटाते हैं, इसको वैक्यूम से साफ करते हैं एंड छोटे से टोमेटो को यहाँ से निकालते हैं। ये यीमी, अरे अरे उठ नहीं पा रहा, उठना नहीं उठना, वहीं रहना। चलो आओ, आओ बेचारे टोमेटो को कितने आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू। चलो इसे पैक कर देते हैं। नाउ यू रेडी टू गो होम। ये तो हमें चाहिए होगा ना, आगे एक और एड देख लेते हैं। ओके, ब्रिंजल आया हमारे पास और बहुत ही सैड हालत में आया है। हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा जल्दी से ठीक कर देना चाहिए। वैसे मुझे ब्रिंजल से सख्त नफरत है, बट ये अजीब से पिल्स है, इस पे स्प्रे मारते हैं और ये सारा साफ करके एकदम ठीक हो जाएगा। उसकी शक्ल तो बता रही है कि वो ठीक हो रहा है। अरे इतने गंदे वर्म निकल ही नहीं रहे, हट गए। चलो फंगस चली गई तुम्हारे अंदर की, एंड अभी तुम्हारी ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। थोड़ा धीरे धीरे ऑपरेट करते हैं। ओ बट मुझे ब्रिंजल दिख रहा है, तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, बेचारे को जल्दी से निकालते हैं, फ्री करते हैं। एंड यहाँ से निकल गया ये ब्रिंजल। अरे कितना, हट जा हट जा, नीचे तक कट, वेरी गुड। एंड इसको उठाते हैं, ब्रिंजल को इस पे ट्रे पे रखते हैं। ओके ब्रिंजल, तुम्हें स्टिच कर दिया है मैंने। अरे हो जा स्टिच। ओके फाइनली स्टिच हो गया, लेवल 8 कंप्लीट हो गया। मैं काफी प्रो डॉक्टर बन चुकी हूँ, वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इनका इतना अच्छे से ऑपरेशन कर रही हूँ। एंड मेरे को यहाँ पे मिला शेवर। शेवर एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक में शेवर का क्या काम है, मुझे ऐसा लग रहा है आधा तो मैं यहाँ पे सैलून ही चला रही हूँ। ये आई है हमारे पास कीवी। ओ तो शेवर से हम कीवी के हेयर हटाएंगे। कीवी एंजॉय कर रही हो, एकदम वाइब्रेट कर रही है इसकी पूरी बॉडी कीवी की। एंड फाइनली हमने इसका कर दिया है काम। इसको भी काटना भी है, इसके अंदर भी क्या है यार, ग्रीन के अंदर ब्लैक सीड्स मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आते, जब मेरी कीवी के अंदर ब्लैक सीड्स आते हैं। तो हमने इसे पूरा कट कर दिया है, अभी हमें इसको और क्या करना है, सीड्स निकालने हैं। ओके जी, ये ऐसे लग रहा है मैं डायमंड निकाल रही हूँ। कीवी का भी हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया है और काफी मजा आ रहा है डॉक्टर बन के यहाँ पे। मुन्ना भाई, एक्चुअली मुन्ना बहन, MBBS। ओके हमारे पास फाइनली एक VIP कस्टमर आया। कॉन्स के अंदर तो कीड़े लग चुके हैं, अभी इसको क्लीन करते हैं हम। ये मिस्टर VIP आए हैं, देख रहे हो चश्मे वश्मे लगा के, एंड हमने इसको साफ कर दिया है। अभी हमें इसके अंदर कॉन्स डालने हैं। मतलब दांत नहीं लगाते जैसे हम, वैसे इसके अंदर हमने कॉर्न्स लगाने हैं। सही है यार, ये कैसा क्लिनिक है, फ्रूट्स का क्लिनिक है ना, सब कुछ है इनके पास। इससे मैं अच्छे पैसे लूंगी। ए कॉर्न्स मिस्टर कॉर्न। ओके लेवल कंप्लीट हो गया। VIP का केस लेने के बाद मुझे मिले हैं 4,000 रूपए, 3750 रूपए टू बी प्रिसाइज। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं इससे अपने क्लिनिक में और भी अच्छी एवेंट गार्ड, बहुत ही हाई फाई चीजें लगाने वाली हूँ। ये लेडी फिंगर आई है हमारे पास 11th लेवल में। ओके लेट्स ट्रीट हर। इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है यार एक डॉक्टर को यार, मतलब अलग अलग टाइप की सर्जरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर काम के लिए अलग अलग बंदा है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब इसको कट करना है। लेडी फिंगर तुम्हें जल्दी से कट कर दे रहे, इसको ट्रिपलेट्स हुए हैं। वाह यार, तीन तीन लेडी फिंगर आए अंदर से, वेरी नाइस। लेडी फिंगर मुझे इतनी जजमेंटल आंखों से क्यों देख रही हो, स्माइल कर दे, इतने क्यूट क्यूट मैंने तेरी लेडी फिंगर के बच्चे निकाले हैं। चलो इसको क्योर करते हैं, हिल क्यों रही है इतनी ज्यादा। ओके फाइनली लेडी फिंगर ठीक है, अभी तुम किसी के घर पे जाके भिंडी बनोगी, कोई बात नहीं, तुम्हें खाएंगे सब, हंसो हंसो डांस करो। एंड हमें मिली है सिरिंज। ओके मेरे पास ब्लैक ग्रेप्स आए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए और कितनी गंदी हालत में लग रहे हैं, इनकी शक्ल कितनी कॉन्स्टिपेटेड है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे कीड़े आ चुके हैं। एंड मैं इनको एक इंजेक्शन लगाने वाली हूँ, पर कहाँ लगाना है मुझे इंजेक्शन, कहाँ लगाना है इंजेक्शन, अरे कैसे लगेगा। सबसे पीछे वाले ग्रेप पे लगाया मैंने इंजेक्शन, पूरा अंदर तक चला गया। ये बिल्कुल ठीक हो गया है, स्माइल करने लग गया है, अब इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ओके इसके अंदर, इसकी बारी है। तुम ठीक होने वाले हो मिस्टर ग्रेप्स, तुम ठीक हो गए हो। एंड आगे चलते हैं, ये कौन सा आड़ा टेढ़ा सा फ्रूट आया है मेरे पास, मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कौन सा फ्रूट है। एंड इसको अब ठीक करते हैं, हमारा टाइम आ गया। आई थिंक इसके बाल हटाने हैं यहाँ से, एंड हमने इसके बाल हटा दिए। एंड तुम्हें एक इंजेक्शन भी देना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे अंदर बहुत सारे कीटाणु है। आई नो तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है, तुम्हारी सर्जरी भी होगी सरप्राइज। और तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, ये क्या हुआ, किसी हसीन फ्रूट ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दिल जोड़ देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये पहला दुनिया का क्लिनिक है जहाँ पे एक फ्रूट का टूटा हुआ दिल हम रिप्लेस करके एकदम नया ताजा दिल लगाएंगे। फाइनली तुम्हारे पास एक नया फ्रेश दिल है, अभी तुम इसको स्टिच कराओ और यहाँ से चलते बनो, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं परेशान हो गई इतने सारे फ्रूट की सर्जरी ना कर करके, आखिरी दो सर्जरी और मैं करूंगी, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू मोर सर्जरीज। ये कौन आया है, ओके इसके अंदर भी वर्म फंसा हुआ है, लेट्स टेक आउट दिस वर्म। ये मुझे पपाया जैसा लग रहा है। ओके हमने इसको प्लेट के अंदर रखा एंड इसको काटा, अभी मजा आ रहा है मुझे सबको
काटने में, तुम्हें तेज काटूंगी, तुम्हारे वर्म्स में निकाल दूंगी अभी देखो वैक्यूम से। आई एम अ प्रो इन दिस गेम। चलो इसे निकाला, ट्रे पे रखा एंड अब तुम्हें बस एक सर्जरी की तरह स्टिच करना है मुझे। ये देखो मैंने टाइम लिया, बिल्कुल टाइम नहीं लिया, मैं बहुत स्पीड हूँ। ऑलराइट गाइस, आई थिंक मैं लास्ट लेवल भी नहीं करना चाहूंगी, इसको हम पार्ट टू में करेंगे एंड आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू वंडर्स लाइफ अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड हैप्पी 2021, नया साल आने वाला है, मिलते हैं अगले साल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।